अभी तो चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में कई सभाओं में जाना होता है, मगर मैं आज इस माहौल में भी यहां तक इसलिए आया हूं कि मुझे विश्वास है कि मोदी जी देश के चौकीदार है, मगर अर्थ विभाग के ट्रेजरी के आप सब चौकीदार हो। और इसलिए मैंने सोचा कि चुनाव में तो हम नारे सुनते आए हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, मगर यहां मैं आपको आगे बढ़ो, वित्त मंत्री आपके साथ है ये कहने आया हूं। जीएसटी आया, ये तो कोई नेता या कोई देश का प्रधानमंत्री या देश का अर्थमंत्री अपने पैरों पर पत्थर मारने के लिए तो जीएसटी नहीं लाएगा। उन्नति में तो योगदान करे, मगर वो बड़े खुशी से करे, आनंद से करे, सहजता से करे। और इसीलिए जीएसटी आने के बाद राज्य में हमने भी यही कोशिश की है कि यहां पे हमारे अधिकारियों के माध्यम से किसी को कष्ट ना दिया जाए, तकलीफ ना दी जाए। मुझे याद है कि दिल्ली से हमें ये कहा गया था कि आप फ्लाइंग स्क्वाड क्यों नहीं निर्माण करते। मैंने मेरे आयुक्त को कहा कोई आवश्यकता नहीं है, जिन राज्यों को करना है उनको करने दो, मगर अगर मेरे राज्य का व्यापारी सहजता से कर भरता है तो मैंने भी विश्वास रखना चाहिए कि राज्य के हित के लिए उसके भी मन में प्रेम है, प्रेम भाव है। और नतीजा यही हुआ कि हमने कोशिश की कि व्यापारी भाइयों को तकलीफ ना हो, कानून के मर्यादा में काम करें, मगर अधिकारियों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और उसका नतीजा हमें जैसा चाहिए वैसा ही हुआ कि हमें 90,000 करोड़ का हमने व्याट के माध्यम से अर्थसंकल्प रखते हुए हमने आकलन किया था, और 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लगा हमें लोगों ने 1,15,000 करोड़ दिए, 25,000 करोड़। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सारे व्यापारियों को विश्वास देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में वित्त विभाग ये आप सभी के हित में निर्णय करेगा, और जहां में आप पे आपकी कोई समस्या होगी, कष्ट होगा, इस राज्य का अर्थ विभाग का चौकीदार के नाते मैं पूरी शक्ति के साथ आप सभी के साथ में मैं निश्चित रूप से खड़ा रहूंगा। आज मुझे बहन प्रीति जी ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि जो कानून हमने अभेदान का किया है, जिस किताब का यहां विमोचन हुआ है, कहीं पे तांत्रिक समस्याएं होगी, अड़चने होगी, तो इसका दूर करना चाहिए। योगायोग से हमारे विभाग के जो आयुक्त है मिस्टर राजू जगोटा, वो भी जब कभी मैं कोई बात कहता हूं तो उस बात पे अमल करते समय बड़े खुशी से वो अमल करते हैं। नहीं तो साधारण रूप से सरकारी कर्मचारियों के बारे में यही कहा जाता है जो इस टेबल से उस टेबल पे फाइल सरकाता है वो सरकारी कर्मचारी, मगर यहां पे हमारे विभाग के लोग, हमारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी ये जानते हैं कि राज्य को आगे जाने के लिए अगर कोई पेट्रोल भरता है तो यहाँ के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यापारी बिल के भरते हैं, जिसके आधार पे ये गाड़ी चलती है। मैं मन में सोच रहा था कि कभी मैं कॉलेज में था तो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सोचता था, मैंने एक परीक्षा भी दी, पर तब लोगों ने इतना डर पैदा किया, कहा डॉक्टर होना आसान है मगर सीए होना कठिन है। क्योंकि तब मुझे याद है किसी ने मुझे कहा कि आप कितनी अच्छी परीक्षा देते हो, इस पे उत्तीर्ण होना तय नहीं होता, तो इंस्टीट्यूट तय करती है कि कितने लोगों को इस वर्ष पास करना है। अब ये एक बात के लिए मन में डर पैदा कर दिया, अब उसके बाद मैं फिर इस झंझट में गिरा ही नहीं, क्योंकि कब इंस्टीट्यूट क्या सोचेगी और कितने लोगों को पास करेगी पता नहीं। आज आपके सामने खड़े रहते समय मुझे अपने परिवार में आए जैसी भावना निर्माण, ये बात सही है कि टैक्स कर ये
कोई भी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब टैक्स और कर के बिना तो कोई सरकार चल ही नहीं सकती, मगर कर लेते समय कभी अपने शास्त्र की वो कहानी है, एक बार कोई व्यक्ति कोट पहनकर जा रहा था और सूर्य तूफान में स्पर्धा हुई कि इसका कोट हमें उतारना है, कौन उतारेगा। तूफान ने कहा कि ये तो कुछ सेकंडों का काम है, अभी मैं उतार देता हूं। जोर से तूफानी हवा बहने लगी, उसे लगा शायद ये कोट उड़ने के डर से निकाल देगा, मगर वो व्यक्ति ने जैसे तूफानी हवा बढ़ने लगी उसने कोट और मजबूत करना शुरू कर दिया, हवा थक गई मगर उसने कोट नहीं उतारा। सूर्य देवता ने कहा चल मैं अब उतार के बता रहा हूं। धीरे धीरे सूर्य ने अपनी उष्णता बढ़ाना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चला उसको लगा उष्णता बढ़ रही है, कोट निकाल दिया। मैं हमारे अधिकारियों को यही कहता हूं कि कर लेते समय ये उदाहरण ध्यान में रखो, बहुत ज्यादा तकलीफ होंगे तो कोई टैक्स नहीं देने वाला है, मगर सहजता सरलता होगी तो लोग ज्यादा खुशी से यहाँ पे निश्चित रूप से टैक्स देंगे। और इसी दिशा में इसी सूत्र में आज हमारा विभाग काम कर रहा है। विभाग को मेरे वैसे भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि तकलीफ ना हो, सभी जगह पे बदलाव करने की कोशिश हो रही है, यहां तक कि जिस माजगांव के ऑफिस में लोगों को जाना होता है वो भी आजकल एक मौका कुआ बन गया है, वो भी बिल्डिंग। और इसलिए परसों ही मैंने आदेश दिया है कि यार भाई साहब आप टैक्स देते हो, जो लोग वहां पे आते हैं उनको ऐसे वातावरण में आप ले जाते हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम हमारे यहाँ पे जहाँ पे पैसा लोग देने आते हैं वो सबसे गंदी बिल्डिंग है, और जहाँ पैसा खर्च होता है वो सबसे अच्छी बिल्डिंग है, तो उल्टा काम है। और इसीलिए हमने अभी वड़ागा में भी तय किया कि बहुत बड़ा जीएसटी भवन बनना है, मंत्रालय से भी 10 गुना बड़ा बनना है, कि जिसके माध्यम से हमने तय किया है कि हमारे राज्य में सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो, कानून ये सहज हो, लोगों को उनके हित में हो। ये बात सही है कि कानून ऐसे भी ना हो कि जिस कानून का उपयोग करके कोई गलत काम कर सके, मगर ये निश्चित रूप से है कि कानून ऐसे होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि कानून में चलते हुए मुझे ज्यादा आसानी है, कानून तोड़ने में मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। और इसीलिए हम हर बजट के पहले महाराष्ट्र के तमाम जनता को आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि राज्य चलाना ये कोई एक मुख्यमंत्री, 39 मंत्री, 367 आईएएस ऑफिसर, इनका ही काम नहीं है, तो ये महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता का अधिकार है। और राज्य चलाते समय उनका मार्गदर्शन, उनका व्यवहारिक ज्ञान, उनका अनुभव ये भी राज्य के हित में उपयोग में आना चाहिए। और इसीलिए हर अर्थ संकल्प के पहले हमने शुरुआत की, जो आज इस वर्ष केंद्र सरकार ने भी की, जो शुरुआत हमने 2015 में की कि लोगों के माध्यम से कोई भी अर्थ संकल्प बजट के पहले हम लोगों को अपील करते हैं कि आपकी सूचनाओं का स्वागत है, जिस सूचनाओं के माध्यम से राज्य की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं कोई तांत्रिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं निश्चित रूप से ये बताऊंगा कि आपके मन में कोई भी भावना कानून की कठिनाई के बारे में, कानून की गलत प्रावधान के बारे में आती है तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं, शैलेश जी तक पहुंचा सकते हैं, मैडम प्रीति जी तक पहुंचा सकते हैं, और उनके माध्यम से जब कभी ऐसे प्रश्नों का निराकरण करने की इच्छा आपकी हो उस समय याद रखिए कि मैं आपके साथ हूं, मगर याद ऐसी करिए कि मंत्रालय में मुझे उचकी आनी चाहिए, नहीं तो आप यह याद का हिस्सा ये देश के विकास में, देश के उन्नति में, प्रगति में है। और इसीलिए यहाँ पे आपकी संख्या बड़ी मात्रा में है, मगर इसके साथ मुझे खुशी हुई कि आप सब मिलकर संगठित रूप से सब लोग एक सूर में काम करते हो। इतनी सुंदर इमारत तो हमारे पार्टी की भी नहीं है, जबकि हमारे 10 करोड़ देश में सदस्य, 1 करोड़ महाराष्ट्र में है, उसके बाद भी यहाँ पे जितना सुंदर हॉल है, चर्चाएं हो रही है,
प्रेजेंटेशन के लिए इतना बड़ा ये लगा है, तो मुझे लगता है कि आपकी सोच बड़ी सही दिशा में जा रही है, सही दिशा में काम हो रहा है। अब ये सही दिशा में काम होते समय मैं आपके साथ हूँ ये बताने के लिए मैं आया हूँ। अभेदान योजना में जो कमियां मुझे बताई गई है, मैं कल ही कमिश्नर को इसको अवगत करा के आप जिस दिन तय करोगे कमिश्नर आपके साथ यहाँ मीटिंग रहेगा और इस त्रुटियों को दूर करने के लिए मदद करेगा। बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि आप भी चौकीदार हो तो देश के चौकीदार पे ध्यान रखिए, इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।